फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडीस्टार क्लासेस। आज है 12 मई 2020 और 12 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 11 मई को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 11 मई। प्रत्येक वर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है या राष्ट्रीय तकनीकी, जिसे हम प्रौद्योगिकी दिवस भी कहते हैं। आपको याद रखना है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये हर साल देश भर में 11 मई को मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में, आपको याद रखना है, राजस्थान में इसी दिन 11 मई 1998 को, आपको सन याद रखना है 11 मई 1998 को, राजस्थान में इंडियन आर्मी की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति वन परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। आपको इस परमाणु मिसाइल का नाम रखना है, इसका नाम है शक्ति वन। इसी का आज के दिन 11 मई 1998 को राजस्थान की पोखरण में सफल परीक्षण किया गया था और इसीलिए 1998 से लगातार इसी 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित रहने का लक्ष्य रखता है। साथ ही 1998 में इसका परीक्षण किया गया था और इस ऑपरेशन का संचालन हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट और एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। आपको इतना याद रखना है। अब बात आई है नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, तो साथ ही आपको नेशनल साइंस डे ये 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी नामक एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की। अभी हाल ही में SBI ने आरोग्य संजीवनी नामक एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, SBI। SBI जनरल इंश्योरेंस ने, आपको याद रखना है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने इस आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने इसे किस उद्देश्य से लॉन्च किया है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया में कहीं भी बीमित व्यक्ति को, यानी जिसका बीमा रहता है, उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। कितना? 1 लाख से 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक बीमा कवर ये प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा जिसका बीमा उपलब्ध रहेगा। साथ ही ये पॉलिसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI, जिसका फुल फॉर्म है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसके मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। अब बात आई है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और SBI के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 2021। बत्रा और इस कार्यकारी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020, आपको याद रखना है, अक्टूबर 2020 में जो लोग रिटायर्ड हो रहे थे, अब उन सभी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसके अलावा FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अपने कार्यकारी बोर्ड के 47वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का भी फैसला किया, जिसे शुरू में
28 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में मई 2021 तक नियोजित किया गया था, आपको याद रखना है। अब बात चाहिए FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लाजेन में है और लाजेन स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके वर्तमान समय के CEO हैं थिएटर बेल। थिएटर बेल ये वर्तमान समय के इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के CEO हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वो कौन थे? हरिशंकर वासुदेवन ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, इतिहासकार। जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का अभी हाल ही में COVID-19 की वजह से निधन हो गया। आपको याद रखना है COVID-19 की वजह से इनका हाल ही में निधन हुआ। इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी और यूरोपीय इतिहास, इसके अलावा इंडिया और रसिया के संबंधों पर किए इनके काम के लिए जाना जाता है। इनकी दो बुक हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उन दो बुक के बारे में आपको बताता हूँ। बुक का नाम काफ़ी लंबा है, मैं सबसे पहले आपको पहली बुक के बारे में बताता हूँ। इनकी पहली बुक का नाम था शैडोज ऑफ सबस्टेंस इंडो रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। क्या था? शैडोज ऑफ सबस्टेंस इंडो रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 2010 में इन्होंने की थी। इसके अलावा इनकी दूसरी बुक थी फूट स्टेप्स ऑफ एफानशी निकितन ट्रेवल्स थ्रू यूरोसिया एंड इंडिया इन द अर्ली 21st सेंचुरी। इसका लेखन इन्होंने 2015 में किया था। इन दोनों बुक को आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को अभी अवार्ड प्रदान किया यानी पुरस्कार प्रदान किया? अभी हाल ही में केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गिरिराज सिंह। मैंने आपको बताया केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने ही इसे अभी हाल ही में प्रदान किया। इस चैलेंज में हिस्सा के लिए स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया पोर्टल www.startupindia.gov.in पर 11 सितंबर याद रखना है 11 सितंबर 2019 से लेकर के 15 नवंबर 2019 तक, कब? 15 नवंबर 2019 तक आवेदन करना था। 5 स्टार्टअप कंपनियों को ये पुरस्कार दिया गया है। अब इन 5 कंपनियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। पहली कौन सी है? पहली कंपनी है कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज PBT LTD मुंबई। दूसरा है व्हाइट गोल्ड टेक्नोलॉजी LLP मुंबई। तीसरी है इमरटेक सॉल्यूशन PBT LTD मुंबई। चौथी है मू फॉर्म गुरुग्राम हरियाणा। और पांचवी है एडीज टेक्नोलॉजीज बेलगावी कर्नाटक। आपको इन 5 कंपनियों के बारे में नाम याद रखना है जिन्हें हाल ही में अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत ने कितने द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर नामक एक मिशन की शुरुआत की? अभी हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर नामक एक मिशन की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 5 द्वीप देश। इंडियन गवर्नमेंट ने COVID-19 महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 से, याद रखना है 10 मई 2020 से इस मिशन सागर का शुभारंभ किया है। अब इन 5 देशों के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, कौन कौन से देश हैं? मालदीव, मॉरिशस, सेसेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। कौन कौन से? मालदीव, मॉरिशस, सेसेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस, ये 5 देश हैं। इस मिशन के तहत इंडियन नेवी का एक जहाज है INS केसरी। इस INS केसरी की तैनाती की गई है, जिसका उद्देश्य यानी इस INS केसरी का उद्देश्य है कि ये जहाज 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ तथा कुछ खाद्य वस्तुओं और HCQ ये गोलियां होती हैं, HCQ गोलियों सहित COVID-19 संबंधी दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के
इन 5 देशों, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इन 5 देशों के लिए रवाना हो गया है। अब इस सागर की बात आई है, आपको मिशन सागर में इस सागर का फुल फॉर्म रखना है। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब बात आई है इंडियन नेवी की, तो वर्तमान समय में हमारे इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह ये वर्तमान समय के इंडियन नेवी के चीफ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ICMR ने कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया? अभी ICMR ने COVID-19 वैक्सीन को विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भारत बायोटेक। सबसे पहले ICMR, इस टर्म का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। अब ICMR, ICMR ने देश में COVID-19 वैक्सीन को विकसित करने के लिए इस बायोटेक के साथ समझौता किया है। इस वैक्सीन को पुणे पर स्थित ICVR, किसके? ICVR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेटेड किए गए COVID-19 पेशेंट्स में से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन का उपयोग करके डेवलप किया जाएगा। अब बात आई है ICMR की, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ICMR के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। कौन है? बलराम भार्गव ये ICMR के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके आदेशों के अनुसार अब राज्य और बहुराज्यों के सहकारी बैंक पर भी SARFAESI ये एक अधिनियम है, इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और इसी के आदेश के अनुसार अब राज्य और बहुराज्यों के सहकारी बैंकों पर SARFAESI अधिनियम का प्रावधान लागू किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले SARFAESI, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन, याद रखना है क्या मैंने बोला, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। हिंदी में इसे कहते हैं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002। ये 2002 में आया था। कौन सा? ये अधिनियम 2002 में आया था। अब इसके फैसले का उद्देश्य क्या है? इस फैसले का उद्देश्य है जितने भी सिविल कोर्ट हैं उन सिविल कोर्टों और सहकारी समितियां अधिनियम के तहत प्रक्रिया सारांश के माध्यम से होने वाली देरी को दूर करना, ये इस अधिनियम का उद्देश्य है। अब मैं आपको इस अधिनियम के बारे में बताता हूँ, ये अधिनियम क्या था। मैंने आपको बताया सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इस अधिनियम का उद्देश्य था इसका इस्तेमाल बैंक बैड लोन विशेष रूप से गैर निष्पादित आस्तियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं इजी रूप में, यानी अभी आपको लगा होगा कि मैंने आपको क्या बोल दिया, इकोनॉमिक लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, अब मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में इसी चीज़ को बताता हूँ। ये कौन से टर्म में है? ये अधिनियम भारत में जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उन वित्तीय संस्थानों को किसी भी ऋण की वसूली के लिए किसी अचल संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार देता है। ये इस अधिनियम का उद्देश्य था जो 2002 में आया था। अब बात आई है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान समय के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं SA बोबड़े। कौन है? SA बोबड़े। इनका पूरा नाम क्या है? शरद अरविंद बोबड़े। ये वर्तमान समय के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिविजन हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया गया। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 6 मई,
4 मई, 10 मई और 8 मई। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। दोस्तों COVID-19 की वजह से अभी इंडिया में जो लॉकडाउन चल रहा है इस लॉकडाउन के कारण आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है। इसी रिवीजन के लिए मैं आपको रिवीजन का सेशन अभी हाल ही में हमारे प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोस अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देखकर अपने जितने भी टॉपिक वाइज रिवीजन होते हैं आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल मिलेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।